बुलेटिन के पेश करता हैं। काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के रिजल्ट एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी ने किए जारी। एग्जाम फीस अदा करने वाले तमाम 4,51,585 स्टूडेंट्स हो गए पास। हैदराबाद की रेड्डी लेबोरेटरीज और DRDO की जानिब से कोरोना के खिलाफ बनाई गई दवा 2DG की फरोख्त हुई शुरू। 990 रुपये में पाउडर की शक्ल में मिलने वाली इस दवा का 3 से 4 दिन का इस्तेमाल कोरोना के खात्मे में असरदार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मरकज की मोदी सरकार का झूठ हो चुका है बेनकाब। दिसंबर के दरमियान किया था 216 करोड़ डोज का वादा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 135 करोड़ डोज दस्तियाब होने की मोदी सरकार ने कही है बात। पीवी नरसिम्हा राव की 7 साल तकारीब का अख्तिताम। नेकलेस रोड पर फॉर्मर पीएम के 26 फुट ऊंचे ब्रोंज स्टैचू की नकाब कुशाई। नरसिम्हा राव के घर को म्यूजियम में तब्दील करने की भी हुई शुरुआत। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की मुंतकली को आसान बनाने के लिए मोहम्मद सलीम की सदारत में तेलंगाना जमीयत कुरैश के वफद की नुमाइंदगी। जानवरों को लाने पर पुलिस की मुकम्मल मदद का एडिशनल DG ने दिलाया यकीन। पासपोर्ट दरख्वास्तों की पुलिस जांच, हैदराबाद को मिला बेहतरीन यूनिट का दर्जा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ट्विटर पर कहा, सिर्फ 4 दिनों में ही मुकम्मल हो रहा है पासपोर्ट एप्लीकेशन की जांच का काम। और पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में मुश्तबा ड्रोन देखे जाने पर MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन पाकिस्तानी थे या चाइना के, इस बारे में मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये ड्रोन इतना लंबा सफर तय करके भारतीय इलाके में आखिर कैसे आया। 3 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है और एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ड्रोन आता है। ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए? क्या मजाक हो रहा है वहां पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, किसी इसका भी जवाब देगी नहीं देगी? जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो अमेरिकन या चाइनीज हैं, मालूम करना चाहिए कैसे है वहां पर, और आपकी नाकामी है ये। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। आज तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर पी सविता इंदिरा रेड्डी ने ये रिजल्ट जारी किया। सविता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि फाइनल एग्जाम में शिरकत की गर्ज से एग्जाम फीस अदा करने वाले तमाम 4,51,585 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। इन स्टूडेंट्स में 2,28,754 लड़कियां और 2,22,831 लड़के हैं। इंटर सेकेंड ईयर में कामयाब होने वालों में से 1,76,719 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड, 1,04,886 स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड, जबकि 61,887 तलबा ने सी ग्रेड हासिल किया है। हैदराबाद की रेड्डी लेबोरेटरीज और DRDO की जानिब से कोरोना के खिलाफ बनाई गई दवा 2DG की कमर्शियल फरोख्त आज से शुरू हो गई है। 990 रुपये में मिलने वाली पाउडर की शक्ल की इस दवा से सिर्फ 3 से 4 दिनों में कोरोना खत्म होने का दावा किया गया है। हैदराबाद की मशहूर फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने DRDO के इश्तराक से तैयार की जाने वाली पाउडर वाली एंटी कोरोना दवा 2DG को कमर्शियल लेवल पर बेचने की शुरुआत कर दी है। DCGI ने 1 मई से इस दवा के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। हैदराबाद की रेड्डी लैब की जानिब से तैयार की जा रही यह दवा 2DG पाउडर की शक्ल में होगी। इसको पानी में मिलाकर पीना होगा। इस दवा की कीमत 900 रुपये रखी गई है। हैदराबाद की DRDO ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए इस दवा को पाउडर की शक्ल में तैयार किया है, जिसको पानी में मिलाकर
मिलाकर पीने से 3-4 दिन में कोरोना वायरस खत्म हो जाने का दावा किया गया है। इस दवा के काफी अच्छे नतायज सामने आ रहे हैं। ड्रग कंट्रोल एजेंसी ऑफ इंडिया DCGI की जानिब से इस दवा के इमरजेंसी यूज की परमिशन दिए जाने के बाद जल्दी मुल्क के दीगर सेंटर्स में भी इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि इससे कोरोना मरीजों को तेजी से रूबे से होने और मसनवी ऑक्सीजन पर इन्हिसार नुमाया तौर पर कम करने में मदद मिलेगी। बहुत से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पर इन्हिसार करना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि इस दवा से बहुत सी कीमती जानें बच जाएंगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कोरोना के मरीजों को यह दवा पिलाई गई थी जो सेहतमंद हो गए। इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथों लॉन्च किया गया था। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम और मोदी सरकार की जानिब से वैक्सीन के डोसेज के बारे में जारी किए गए आंकड़ों में तजाद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार का झूठ बेनकाब हो चुका है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन को काफी अहम और कारगर हथियार माना जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर मुहिम भी चला रही है। इस दरमियान अपोजिशन की जानिब से लगातार वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया जा रहा है। MIM सदर और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में वैक्सीन की दस्तियाबी को लेकर मरकज की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे से मोदी सरकार का झूठ बेनकाब हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा है कि अगस्त से दिसंबर के दरमियान 135 करोड़ डोज दस्तियाब होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे अपने ट्वीट में सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन को भारत सरकार के जीनियस कहते हुए लिखा कि मई में इन मिनिस्टर्स ने वादा किया था कि अगस्त से दिसंबर के दरमियान 216 करोड़ डोजेस दिए जाएंगे। भारत सरकार के झूठ से पर्दा उठ गया है। इसी जिमन में लिखे गए अपने सिलसिलेवार दूसरे ट्वीट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आगे बढ़कर लिखा कि 135 करोड़ का ये नंबर भी कम हैरान करने वाला नहीं है। भारत सरकार ने कहा कि भारत बायोटेक्स अगस्त से दिसंबर के दरमियान 40 करोड़ कोवैक्सीन डोजेस की सप्लाई करेगी। अब तक भारत बायोटेक ने सिर्फ 50 लाख डोजेस हर महीने दिए हैं। ये कैसे बढ़कर 7.6 करोड़ डोजेस पर मंथ यानी हर महीना हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए लिखा कि कॉमिक बुक्स में इससे ज्यादा यकीन करने वाली कहानियों के लाइंस हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाई जा रही साबिक वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की सत्साला तकारीब के बाद अब हुकूमत तेलंगाना ने नरसिम्हा राव के कारनामों से आने वाली नस्लों को वाकिफ करवाने के लिए इकदामात का फैसला किया है। सत्साला तकारीब के दौरान उनके आबाई गांव को तरक्की दी जा रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के ज़ेरे अहतमाम PV नरसिम्हा राव के गांव बंगरा में वाक़े उनके मकान को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल या म्यूज़ियम में तब्दील करने के कामों की शुरुआत भी हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तेमाल की गई चीज़ों बशमूल उनकी तस्वीर और यादगारों को भी इस म्यूज़ियम में रखा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की मोहब्बत में कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उनके घर को म्यूज़ियम बनाने, नरसिम्हा राव की याद में सत्साला तकारीब मुनक़द करने के बाद अब हैदराबाद के मशहूर नेकलेस रोड पर नरसिम्हा राव के 26 फीट ऊंचे ब्रोंज के स्टैचू यानी मुजस्मा बनाया गया है। इस मुजस्मे की नकाब कुशाई आज तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरा राजन ने अंजाम दी। बता दें कि नेकलेस रोड का नाम भी तब्दील करते हुए साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के नाम पर अब PV मार्क कर दिया गया है। इस मौके पर खुद तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी मौजूद थे। उन्होंने नरसिम्हा राव की सत्साला तकारीब के अख्तिताम के मौके पर इस प्रोग्राम के मौके पर कई अहम शख्सियात के हमरा शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए KCR ने नरसिम्हा राव के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन यानी HCA को देही नौजवानों में क्रिकेट की सलाहियतों का पता लगाने के लिए काम करना चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद के ओपल राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में HCA के खिलाड़ियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन भी किया। इस मौके पर उन्होंने HCA को हिदायत की कि वह तमाम अजला के नौजवानों को क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए फ्री ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर बनने वाले रेवंत रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद के एक कारपोरेट अस्पताल में जेर इलाज तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव की इयादत की। वी हनुमंत राव को पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। रेवंत रेड्डी ने उन्हें नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद आज पहली मरतबा हनुमंत राव से ये गैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने मजीद जानकारी दी।
ఇన్ఫెక్షన్ స్టమక్ అయిందా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిందా కిడ్నీ మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు మా తండ్రి కూడా ఆదర్శంగా ఉండి తెలంగాణ సమాజంలో బరువు బలైన తల్లి గిరిజన మైనార్టీ వర్గాలకు దాదాపు 50 సంవత్సరాలు సేవలు అందించిన హనుమంతరావు గారి ఆరోగ్యం బాగాలేదని హాస్పిటల్ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. వారు దాదాపు కోలుకున్నారు. ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినాయి. డాక్టర్లతో కూడా మాట్లాడారు. జనరల్ వార్డుకి అంటే ఐసీయూలో నుంచి రూమ్లో చెక్ చేస్తామని చెప్పారు. కానీ వారితో మాట్లాడిన తర్వాత వారి ఆలోచన విధానం పట్ల నాకు మరింత గౌరవం పెరిగింది. వారు ఇంత కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగలేదని ఐసీయూలో చేర్పిస్తే కూడా వారు ప్రధానంగా రెండు అంశాలను ప్రస్తావించారు. అంటే వారి ఆలోచన దళితుల పట్ల ఎంత ప్రత్యేకంగా ఉన్నదో వారితో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది. నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మరియమ్మ విషయంలో, ఆ తర్వాత అదేవిధంగా నిన్న దళితుల అభివృద్ధి కోసం ప్రగతి భవన్లో సమావేశాలు పెట్టినాని, దళితుల ఎంపవర్మెంట్ మీద సమావేశం పెట్టిందని నాకు దృష్టికి వచ్చింది. కేసీఆర్ ఈ భూమి మీద ఉన్న అందరి ద్రోహులకెళ్ళి పెద్ద దళిత ద్రోహి. ఎందుకు అని అంటే పంజగుట్ట చౌరస్తలో పెట్టిన అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించింది కేసీఆర్. 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేసి ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప సుందరీకరణతో కూడిన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను, ఈరోజు వరకు తట్టడం మట్టి తీయలేదు, ఇందిరమ్మ కాలంలో ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ భూములను ఈరోజు గుంజుకొని వాళ్ళని భూమి లేని నిరాశ్రయులను చేస్తున్నాడు, 3 దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి అనే అధికారంలోకి వచ్చి ఇయాలా దళితులకు ద్రోహం చేస్తున్నాడు. तेलंगाना वर्किंग कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखिब किए गए अंजन कुमार यादव ने आज ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया. साथ ही उन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर चुने जाने पर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद भी दी. अंजन कुमार यादव ने कहा कि वो नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे. मेरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए से उसको मैं उनको मुबारकबाद धन्यवाद करूँ. और रही हाँ, कांग्रेस पार्टी शहर में रही इस तेलंगाना के अंदर तेलंगाना दी सोनिया गांधी. कौन दिए तेलंगाना? सोनिया गांधी दी. हम आवाम को अपील करेंगे इसके झूठे वादों को, झूठे बातों को ना मानते हुए. कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, सभी वर्ग को लेके चलने वाली पार्टी. कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर एक ही पार्टी है. बीजेपी से, आरएसएस से, देश में मोदी सरकार से लड़ने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी. यहाँ पर केसीआर मोदी झूठा, सीएम झूठा, पीएम झूठा, दोनों मिलके देश को लूट रहे. ये दोनों को सबक सिखाने के वास्ते ये कांग्रेस पार्टी अब नया खून, नया जज्बा से आगे आवाम में जाएंगी. आने वाले दिनों में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस हुकूमत लाने के लिए हम नया कमेटी पूरा जोर होशो जोर से काम करेगा. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे. ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है. बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब. अगले महीने आ रही ईद उल अज़हा के मौके पर चंद शर पसंद तंजीमों और उनके कारकुनों की जानिब से जानवरों को ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है. इसी ज़मन में तेलंगाना जमीयत कुरैश की जानिब से एक वफद ने सदर मोहम्मद सलीम के हमरा DGP ऑफिस पहुँच कर इस सिलसिले में पुलिस से मदद की दरख्वास्त की. मौके पर DGP मौजूद नहीं थे, तहम एडिशनल DG से जमीयत कुरैश ने नुमाइंदगी की और उन्हें मेमोरेंडम दिया. बाद अज़हा मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने
बताया कि एडिशनल डीजी की जानिब से उन्हें भरपूर मदद की यकीन दहानी करवाई गई कि कुर्बानी के जानवरों को बिला रोक टोक आने जाने दिया जाएगा, ताहम गैर कानूनी तौर पर जानवरों की मुंतकली पर कार्रवाई भी की जाएगी। अल्लाह का करम ये रहा कि आज अभी हम डीजी साहब नहीं है तो एडिशनल डीजी लैंड ऑर्डर साहब है हमारे जतिंदर साहब, उन्होंने तयपुन दिए कि जानवर नहीं रोकेंगे। और हमारे एक डिलीगेशन जमीतुल कुरैश का सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सब लोग मिलकर पूरे हमारे जमीतुल कुरैश हैदराबाद के लोग सब मिलकर गए और अच्छा टाइम दिए उन्होंने और सुन के जो है ना तयपुन दिए कि जानवर नहीं रोकेंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंशाल्लाह होम मिनिस्टर साहब को भी बता दिए और डीजीपी साहब भी जो कल आ रहे हैं, कल डीजीपी साहब को भी एक बार ये करेंगे। हम फोन पे भी बात कोई हमारी अल्लाह चाहे तो जो है हरासमेंट नहीं रहेगा, जो भी बजरंग दल बीजेपी जो भी है ये लोग को हम कंडम करेंगे और नर जानवर जो भी है बफलो है ऑक्स है इसको रोक नहीं सकते, गाँव रहा तो बैन करेंगे, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। कुर्बानी के जानवर को रोकने का कोई इनको हक नहीं है, गाँव रहा तो बैन है वो बिल्कुल हम भी मानते हैं उसको, ऑक्स के लिए तो रोक नहीं सकते। और हमारे एडिशनल डीजी लैंड ऑर्डर पूरे पुलिस स्टेशन इनके अंडर में आते हैं, इन्होंने टाइपून दिए कि कोई पुलिस स्टेशन पर हरासमेंट नहीं रहेगा, पुलिस भी सपोर्ट करेंगी, बल्कि इलीगल जानवर नहीं लाना है, लीगल जानवर लाएंगे जो बफलो है ऑक्स है। इंशाल्लाह ताला कल डीजी साहब भी रहेंगे, कल एक मेमेंटो और एक डीगल मेमोरेंडम इंशाल्लाह ताला कल हम फिर और बताएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर और यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के काचीगुड़ा के सरकारी जूनियर कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया और टीका अंदाजी के अमल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीका अंदाजी में हैदराबाद मरकज बन गया है, कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर में टीका अंदाजी का काम तेज़ी के साथ जारी है। उन्होंने 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लेने की अपील की ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की जा सके। हैदराबाद के इलाके संतोष नगर बलती डिवीज़न में कलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में एमआईएम जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा एमएलए सैयद अहमद पाशा कादरी ने वैक्सीनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर संतोष नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा वैक्सीनेशन का अमला भी मौजूद था। जनरल सेक्रेटरी मजलिस ने डॉक्टर से तफसीलात से वाकफियत हासिल की, वहीं उन्होंने वैक्सीन लेने वालों से बात करते हुए दीगर अफराद को भी वैक्सीन लेने की तरगीब देने की तलकीन की। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन संतोष नगर इलाके में आज कम्युनिटी हॉल के अंदर कोविड टीका अंदाजी का सेंटर कायम हुआ। नकीब मिलत परसुद्दीन सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत से अभी उसका इफ्तिताह किया गया। एरिया कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब की काफ़ी कोशिशों की काबिशों की वजह से यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मैडम ने इसकी मंजूरी दी, यहाँ पर कायम हुआ। मैं आपके चैनल के जरिए संतोष नगर के तमाम वोटर्स से ये अपील करूँगा कि वो कम्युनिटी हॉल संतोष नगर में आके ये टीके से इस्तेफादा करें। अब शहर में हर तरफ टीके के मराकज़ कायम किए गए हैं और इब्तदा में अवाम में कुछ बसोपेश था, लोग कम आ रहे थे, लेकिन अब लोगों में शोर बेदार हुआ है, हर सेंटर पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इस बस्ती के लोगों के लिए उनके खुरब जवार में काउंसलर साहब ने दिलचस्पी लेकर इसको कायम किया, तो यहाँ के लोगों का काम है कि इससे फ़ायदा उठाए, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने मिलने वालों को भी मशवरा दे के यहाँ से आकर अपने लिए टीका लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस मौके पर हमारे कॉरपोरेटर साहब मुजफ्फर हुसैन साहब के अलावा इब्तदाई मजालिस के तमाम लोग और डीसी मैडम तमाम डॉक्टर स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। इंशाल्लाह याकुतपुरा हल्के असम्बली के एमएलए व जनरल सेक्रेटरी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा डिवीज़न के कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, रैन बाजार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासीउद्दीन के हमरा ब्रह्मनवाड़ी में वाक़ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात करते हुए वैक्सीनेशन की सूरत हाल से वाकफियत हासिल की और मौजूदा हालात में होने वाले डेवलपमेंट से मुतालिक आगाही हासिल की, साथ ही सेंटर की कारकर्दगी का भी उन्होंने जायजा लिया और खुसूसी हिदायत दी। इस दौरान अहमद पाशा कादरी ने वैक्सीन लेने के लिए आने वालों से बातचीत करते हुए दूसरों को भी वैक्सीन लेने की तरगीब दिलाने का मशवरा दिया।
आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगी परमिंदर ने आज एमएलए कैंप ऑफिस में वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के हमरा 21 दरख्वास्त गुजारों में सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। इस मौके पर जोगी परमिंदर ने कहा कि सीएम केसीआर ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुतारिफ करवाते हुए हर तबके के अफराद को राहत पहुँचाई है और इस पर अमल जारी है। मुख्यमंत्री पटना संबंधी इंटर मंदिर रसदार 243,500 आया लब्धिदार अंदे जी एमएलए गार मरी रेग्युर् फास्तु ने मन को संबंध आरोग्यश्री राणि వ్యాధి ఉంటాయో వారికి సంబంధించిన చికిత్స అనంతరం వారి బిల్లు ఇక్కడ క్యాంప్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేసినట్లయితే వారికి సంబంధించినంత ఎంక్వైరీ తొందర చేయించుకొని మనీ వారికి సంబంధించినటువంటి చెక్లను మనం చూస్తున్నాం రెగ్యులర్గా మంత్లీ కూడా మనకు కరోనా సమయంలో కూడా రెగ్యులర్గా ఈ సీఎం రిలీఫ్ చెక్లు అనేది రావడం జరుగుతుంది। ఈరోజు అదిలాబాద్ పట్టణానికి సంబంధించింది నెల 21 లబ్ధిదారులనే మరి దీని ద్వారా సహాయం అనేది తీసుకోవడం జరిగింది। కాబట్టి మీ వార్డులో కానీ మీ గ్రామాల్లో కానీ అయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కానటువంటి వ్యాధులు న్యాయం చేసుకున్న తర్వాత చికిత్స అనంతరం వారి బిల్లు మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులకు కౌన్సిలర్లకు సర్పంచులకు ఎంపీడీసీలకు ఈ విధంగా గ్రామస్థాయి వాళ్ళు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వార్డు సాధించిన వారందరికీ వారి సంబంధించినట్టు వారి ఇక్కడికి సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। आदिलाबाद एमएलए जोगुरामना ने आज 25 लाख रुपए की लागत से आदिलाबाद म्यूनसिपल के पटलवाड़ा में कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल का तामीराती काम के लिए संग बुनियाद रखा। अब तक पटलवाड़ा में 2,80,00,000 रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं। बल्दिया के तहत आने वाले तमाम वार्डों में सड़कें नालियों पीने के पानी और बिजली व दीगर बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा रही है। आदिलाबाद म्यूनसिपल हदूद में करोड़ों रुपए की लागत से मवाला से चांदा तक बड़े पैमाने पर सड़क की 6 लाइनों की तामीर सड़क के दरमियान मरकजी लाइटिंग के साथ खूबसूरत डिवाइडर्स के तामीराती काम भी जारी हैं। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगी परमिंदर और वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी मौजूद थे। गांधी मेडिकल कॉलेज के 2000 बैच से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स ने आदिलाबाद ज़िले के ज़रूरतमंदों को सहूलत पहुंचाने की गर्ज से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स DIO विजय सारथी के तौसुफ से जोगू फाउंडेशन के लिए रवाना किए। इस सिलसिले में पीर के रोज़ MLA कैंप ऑफिस आदिलाबाद में ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ की सरपरस्ती में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन व जोगू फाउंडेशन के चेयरमैन जोगू परमिंदर के हवाले किए गए। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगी परमिंदर ने कहा कि जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर एमएलए कैंप ऑफिस या काउंसलर से रब्त करने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर स्टूडेंट्स और विजय सारथी का शुक्रिया भी अदा किया। దాంట్లో ఉంచుకొని రాబో రోజులు కూడా మన తగ్గలేవు అనేది అవకాశం ఉంటుందని అచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా మనకు వార్తాపరిస్తున్నారు కానీ నిపుణులు అని చెప్పగలుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకున్న వల్ల ఈరోజు ఈ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లను తీసుకుని జరిగింది అందులోకి వెళ్ళి ఈరోజు మా డో ఫౌండేషన్కి 2 మాకు అందజేయడం జరిగింది మరి దీన్ని అందజేసినటువంటి మన విజయసారథి గారు అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మన డిఎంఎల్ఏతో నరేంద్ర రాఠోడ్ గారు మా కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన జరిగింది మరి ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం గతంలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ల కొరకు చాలా ఇబ్బంది అనేది పడడం జరిగింది దాని దృష్టిలో ఉంచుకొని మేము మరి గౌరవ గారి బర్త్డే సందర్భంగా 3 కాన్సన్ట్రేటర్ను మేము కలిగి అందుబాటులో తెచ్చుకోవడం జరిగింది తెప్పించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు దాన్ని రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు 20-25 పేషెంట్స్ వాటిని రెగ్యులర్ ఇప్పుడు కూడా అది మనకు సంబంధించి ఏదైతే వ్యాధితో బాధపడుతుంది వారు తీసుకురావడం జరిగింది।
लॉकडाउन के दौरान आदिलाबाद जिला सदर कांग्रेस साजिद खान और उनकी टीम की जानिब से माइग्रेंट लेबर्स और कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मुफ्त ऑटो सर्विस व दीगर पब्लिक सर्विस के अवज चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदिलाबाद के जिम्मेदारान सदर जगदीश अग्रवाल ने अपनी टीम के हमरा साजिद खान को तहनीत पेश की और एजाज से नवाजते हुए उनकी भरपूर सताइश भी की। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर जिम्मेदारान वो मौजूद थे। बोधन एमएलए शकील आमिर ने आज जाड़ी जमालपुर मौजा में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खसूसी मेहमान में एसीपी बोधन रामाराव ने भी शिरकत की। इस मौके पर शकील आमिर ने बताया कि इस तरह कैमरों की तनसीब से क्राइम पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। అటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ ఎంత పెరిగిందంటే ఇప్పుడు ఈ కెమెరా ద్వారా మా సిఐ గారు ఏసీపీ గారు ఎస్హెచ్ఓ గారు అక్కడ కూర్చొనే సీట్ మీద మీ ఊర్లో ఏం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు కూడా చూడొచ్చు మీరు స్వయానా సర్పంచ్ గారు తన ఫోన్లో కెమెరా అది అప్లోడ్ చేసుకొని వారు కూడా ఊర్లో ఏం జరుగుతున్నది మనం భద్రత కోసం ముఖ్యంగా మనం డైరెక్ట్ మనం చూసుకోవచ్చు కాబట్టి అందరు సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా దయచేసి మీ యొక్క ఊళ్ళలో కూడా ఈ కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేసుకొని మనం ఒక మంచి సందేశాన్ని ప్రజలలో ఇవ్వాలా మనకు ప్రజా భద్రత అనేది అతి ముఖ్యమైన విషయం బోధన్ పట్టణంలో కూడా ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున కెమెరాలు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం చేసే విధంగా మెయిన్ రోడ్ ప్లస్ ఇంటర్నల్ కనెక్టివిటీ కూడా మ్యాక్సిమం చేసే వరకు ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక విడతలో కొద్దిగా 70-60% అయినా మళ్ళీ రెండో విడతలో 100% కంప్లీట్ చేసే విధంగా మున్సిపాలిటీ సహాయం కూడా దాంట్లో తీసుకొని అది ఇమీడియట్గా పూర్తి చేసే విధంగా सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जानिब से जारी की गई हाफ ईयर रिव्यू में हैदराबाद पुलिस को बेस्ट यूनिट का दर्जा दिया गया है। इस जिम्मन में ट्विटर पर सरगर्म अंजनी कुमार ने एक शॉर्ट वीडियो में कहा कि पासपोर्ट दरख्वास्तों की जांच का अहम काम हैदराबाद पुलिस के हवाले है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि हैदराबाद सिटी पुलिस पासपोर्ट दरख्वास्तों की पुलिस जाँच के काम को रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर रही है। उन्होंने वाजह किया कि ये काम सिर्फ 4 दिनों में ही मुकम्मल हो रहा है। पुलिस क्लियरेंस फॉर पासपोर्ट वेरिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क असाइंड टू हैदराबाद सिटी पुलिस। दिस हाफ ईयरली रिव्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद सिटी एंड तेलंगाना स्टेट आर रेटेड एज द बेस्ट यूनिट इन द कंट्री। Up till 26th June 2021, Hyderabad City Police have completed verification process for 48,295 application and the average time we have taken is just 4 days. This is the best performance by any city in the country. Hearty congratulations to the special branch passport verification cell officers of Hyderabad City Police. While fighting the coronavirus, we got this achievement because of the excellent teamwork. We are there to serve you always 24 hours. सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर चेकिंग के दौरान 2 खातून मुलजमीन को 42 किलो गांजा मालियत 6,80,000 रुपये के हमरा गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कुली का काम करने वाली 60 साल विजय लक्ष्मी पिल्लाई और 38 साल मीनाक्षी रमेश पिल्लाई के हमरा एक कमसीन जो महाराष्ट्र के बताए गए हैं उनके सामान की तलाशी के दौरान 21 पैकेट्स गांजा पाया गया। मुलजमीन विशाखापट्टनम से 42 किलो गांजा महाराष्ट्र ले जा रहे थे। रेलवे पुलिस ने मुलजमीन के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।
वकाराबाद के कुड़ंगल अंबेडकर जंक्शन के पास पेश आए अफसोसनाक सड़क हादसे में लॉरी की टक्कर से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। मोलू मंडल नट्टेपल्ली देहात के रहने वाले 37 साला मुजाहिद हुस्नाबाद रवाना हो रहे थे कि इस दौरान कुड़ंगल के अंबेडकर नगर जंक्शन के पास एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने फौरी मुकाम हादसा पहुंचकर मुआयना किया और रिश्तेदारों की शिकायत पर इस सिलसिले में लॉरी ड्राइवर के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के रिजल्ट एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी ने किए जारी। एग्जाम फीस अदा करने वाले तमाम 4,51,585 स्टूडेंट्स हो गए पास। हैदराबाद की रेड्डी लेबोरेटरीज और DRDO की जानिब से कोरोना के खिलाफ बनाई गई दवा 2DG की फरोख्त हुई शुरू। 990 रुपये में पाउडर की शक्ल में मिलने वाली इस दवा का 3 से 4 दिन का इस्तेमाल कोरोना के खात्मे में असरदार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मरकज की मोदी सरकार का झूठ हो चुका है बेनकाब। दिसंबर के दरमियान किया था 216 करोड़ डोज का वादा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 135 करोड़ डोज दस्तियाब होने की मोदी सरकार ने कही है बात। पीवी नरसिम्हा राव की 7 साल तकारीब का अख्तिताम। नेकलेस रोड पर फॉर्मर पीएम के 26 फुट ऊंचे ब्रोंज स्टैचू की नकाब कुशाई। नरसिम्हा राव के घर को म्यूजियम में तब्दील करने की भी हुई शुरुआत। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की मुंतकली को आसान बनाने के लिए मोहम्मद सलीम की सदारत में तेलंगाना जमीयत कुरैश के वफद की नुमाइंदगी। जानवरों को लाने पर पुलिस की मुकम्मल मदद का एडिशनल DG ने दिलाया यकीन। पासपोर्ट दरख्वास्तों की पुलिस जांच। हैदराबाद को मिला बेहतरीन यूनिट का दर्जा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ट्विटर पर कहा, सिर्फ 4 दिनों में ही मुकम्मल हो रहा है पासपोर्ट एप्लीकेशन की जांच का काम। PBN न्यूज में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।